करूंगा एक ऐसी शख्सियत से कि जिनका यहाँ पर होना हमारे लिए बहुत ही बाई से फख्र है। तो ये हमारी कॉल पर तशरीफ लाकर हमें जो इज्जत बख्शते हैं उसका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई किंग ऑफ तबला है तो वो उस्ताद बशीर खान साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं, जिनको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। और खान साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं, तबीयत की नासाजी के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए, भरपूर तालियों में, जिस तरह हमें अपने बुजुर्गों को इज्जत देनी चाहिए। उस्ताद बशीर खान साहब, सबसे पहली बात है कितने इन लोगों ने नएगा रोड जी के लिए जो कुछ कहा है वो वाकई सबने सही कहा है। जितने सादगी इनकी वॉयस में थी, जितनी इनका दायरा गाने का था, उसको दुनिया ने तस्लीम किया। और जहाँ पे इतने लोग आ जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि वाकई वो जनाती है। तो ये अपने तनवीर मियाँ के लिए भी मैं मुबारक देता हूँ, इतनी मेहनत करके तो एक बड़ा ये भी बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान जो है तकरीबन जितने सीनियर लोग हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो मेरी दुआ जो नई नस्ल है वो इस चीज को आगे लेके चले और हमारे पाकिस्तान का नाम हो, दुनिया का नाम हो। अशर साहब ने जैसा अशर साहब ने इनको गवाया है, मुझे बहुत पसंद है उनका इनकी प्रमोशन अशर साहब की। तो अल्लाह इनको जल्द नसीब करे और जितने लोग आए हैं सब मालिक सबको इनको सलामत रखे, सबकी सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। सबके लिए मेरी दुआ है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन ने एक बहुत ही खूबसूरत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री जो है वो तैयार की है, रिसर्च ओरिएंटेड, और वो हमारे जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर हमारे भाई अमजद हुसैन शाह साहब ने बहुत मोहब्बत और खलूस से तैयार करवाई है। और इनकी टीम में जो इनके मरकजी वो इनके जो साथी थे मतीन महमूद साहब, उन्होंने दिन रात इस पर मेहनत की और ये शो स्टार्ट होने तक उस पर काम होता रहा। और हमने ट्रैक किया, हमने कोशिश की कि 10-15-20 मिनट आधा घंटा उसको कर दें और फिर आखिरकार मतीन महमूद साहब वो मिशन इम्पॉसिबल मुकम्मल करके उसको पॉसिबल करके ले आए। और अमजद भाई हमारे दरमियान, अब मैं अमजद भाई के बारे में क्या बात करूँ, ये तो मेरे बहुत शुरू के साथी हैं, इकट्ठे ही पीटीवी पर हम लोगों का कैरियर जो है स्ट्रगल का साथ शुरू हुआ। राग इंसाइक्लोपीडिया है और रिथम ऐसी बजाते हैं कि सैयद और शाह जो है ना, कई दफा इनके कागजात की असरनो जांच पड़ताल करवाने का दिल चाहा जिस किस्म का ये रिथम बजाते हैं। और राग रागियों के बारे में जो इनकी मालूमात है, जहां पर हम जैसे लोगों का एक खत्म होता है वहां से इनका शुरू होता है। कोई ऐसा छुपा हुआ राग अभी इस जगह टेस्ट कर लें, उसका राग जो हम ना बता पाए वो हम जब शाह आपको बता दें। तो हमारी और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती हेतु मौसीकी हमारी वजह दोस्ती है। और अमजद भाई बहुत ही लॉयल दोस्त और बड़े मुखलिस मौसीकी से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले, ये कितना बड़ा सैयद खान वादा है इनका माशाल्लाह। और
बड़ा एक हसब नसब है।